दोस्तों नमस्कार, माय एडवाइस प्लेस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों फिर हम आज आपके लिए एक ही छत के नीचे लगभग 150 प्रकार की मशीनें लेकर आए हैं। 150 प्रकार के आप उद्योग यहां पर देख सकते हैं। किस प्रकार से आपको अपना उद्योग स्टार्ट करना है, कितने हजार की यहां पर मशीन है और किस प्रकार से आपको बिजनेस स्टार्ट करने में मदद मिलने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, एक एक मशीन के बारे में आपको बताते हैं कि किस प्रकार की मशीन से किस प्रकार का प्रोडक्ट बना करके और मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों सबसे पहले मशीन आपको दिखा देती हूँ। दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये बारबेंड वायर है, कांटेदार चैनलिंग के गांव में खेतों के अंदर बाउंड्री के लिए जिन तारों का उपयोग किया जाता है वो इस मशीन के द्वारा बनकर के तैयार होती है। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं मिट्टी की ईंट बनाने की मशीन है, जहां पर भट्टे वगैरह होते हैं वहां पर इस मशीन का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। जहां पर 8 से 10 लेबर लगते हैं वहां पर इस मशीन के द्वारा 2 लेबर की ही आवश्यकता होगी, जिससे आपकी लेबर की बचत होगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं फेंसिंग तार बनाने की मशीन है, आप देख लो स्कूलों के अंदर देख लो या कॉलेजों के अंदर देख लो बाउंड्री के लिए फेंसिंग तार का उपयोग किया जाता है वो इस मशीन के द्वारा बनकर के तैयार होती है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो मशीन है बोरिंग करने की मशीन है, इस मशीन के द्वारा आप 300 से 400 फीट बोर आसानी से कर सकते हो। इस मशीन को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हो, सकड़ी सकड़ी गलियों में भी आप इस मशीन को आसानी से ले जा सकते हो। जहाँ पर जो बोरिंग मशीनें होती है, बड़ी बड़ी बोरिंग मशीन होती है वो सकड़ी सकड़ी गलियों में नहीं जा पाती है, तो इस मशीन को आप आसानी से ले जा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो अलग अलग प्रकार के आपको हैंडा मिक्सर हो गया, ऑटोमेटिक पान मिक्सर हो गया, ऐसे वगैरह होती है जहाँ पर मिक्सर का उपयोग किया जाता है वो इन मिक्सरों का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये मसाला पुलवाइजर है, इसके अंदर जितने भी आप गरम मसाले हो गया, हल्दी मिर्च धनिया पाउडर हो गया वो आप इस मशीन के द्वारा आसानी से पीस सकते हैं, ऑटोमेटिक प्लांट है। इसके अलावा अगर हम और मशीन की बात करें तो दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं इसके अंदर आप बच्चों के जो प्रोडक्ट होते हैं खिलौने होते हैं वो बनकर के तैयार होते हैं। इस मशीन के द्वारा आप ब्रूम झाड़ू के जो पीछे के पाइप होते हैं वो बना करके आप तैयार कर सकते हैं। एक ही मशीन के द्वारा आप अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसलिए आपको डाई चेंज करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दोस्तों इस मशीन की बात करें ये पेपर बैग बनाने की मशीन है, आप देखते हो कि हर जगह आप कागज के बैग का उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक की पॉलिथीन कई जगह एकदम बैंड हो गई है और आने वाले समय में बिल्कुल बंद हो जाएगी, उसकी जगह कागज के बैग है उनका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाएगा और आज के समय में भी किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हो ये नमकीन बनाने की मशीन है, इस मशीन के अंदर आप अलग अलग प्रकार से नमकीन बना करके तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं नमकीन हर एक घर में, हर एक बच्चा हो गया, बुजुर्ग हो गया, महिला हो गई, पुरुष हो गए, सभी खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये रस्सी बनाने की मशीन है, इस मशीन के द्वारा आप रस्सी बना करके तैयार कर सकते हैं, पूरा सेटअप आता है इसका। इस मशीन के द्वारा चूने के ट्यूब होते हैं वो बना करके तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये 4 नोजल जूस बनाने की मशीन है, इस प्रकार का जो प्रोडक्ट बनता है वो इस मशीन के द्वारा बनकर के तैयार होता है। गर्मियों के सीजन में बच्चों के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। अगर हम उसको बनाने की कॉस्ट की बात करें तो ये 1 से 1.5 रुपए में बनकर के तैयार होता है। आप इसे होलसेल के अंदर 3 से 3.5 रुपए में सेल कर सकते हैं, रिटेल के अंदर ये 5 रुपए का सेल होता है, बहुत ही छोटा पाउच है। इसके अंदर आप अलग अलग प्रकार के बना करके अलग अलग जैसे लीची का हुआ, मैंगो का हुआ, ऑरेंज हुआ, पाइनएप्पल हुआ बना करके तैयार कर सकते हैं। इस होपर के अंदर आपको रॉ मटेरियल को डालना होता है, इस प्रकार से इस नोजल की सहायता से ये प्रोडक्ट बनकर के तैयार होता है, इस प्रकार से इसके रॉ मटेरियल आता है। इसमें लीकेज के चांस बिल्कुल कम होते हैं, यहाँ पर इसके 3 प्रकार से पैकिंग की जाती है, 3 प्रकार की पैकिंग होती है तो ये लीकेज बिल्कुल भी नहीं होता है और बहुत ही शानदार बच्चों का प्रोडक्ट है। दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं इस मशीन के द्वारा आप अलग अलग प्रकार के जैसे ब्रश होते हैं, टॉयलेट ब्रश हुआ या कपड़े धोने के ब्रश हुए वो आप इस मशीन के द्वारा बना करके तैयार कर सकते हैं। और ब्रश आप देख लो हर एक घर में ब्रश का उपयोग किया जाता है, अलग अलग कलर में आप बना सकते हैं, अलग अलग साइज में आप बना करके तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये मैनुअल स्क्रबर पैकिंग मशीन है, इसके अंदर आप अलग अलग प्रकार के मसाले हुए, फूड ब्रश हुआ, झूना हुआ वो पैक कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं पीवीसी बैंड मशीन है, इसके अंदर जो प्लास्टिक का इस प्रकार का आप देखते हैं जो पाइप होते हैं वो पाइप बैंड करने की मशीन है, ये इसकी अलग अलग डाई आपको यहाँ पर मिल जाएगी, बैंड करने का प्रोसेस है, इस प्रकार से ये यहाँ पर बैंड होता है।
इसके अलावा दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं मिनी गार्लिक पीलिंग मशीन है, इसके अंदर लहसुन छिल करके तैयार होती है, इसका होपर है, इसके अंदर लहसुन को डालना होता है और यहाँ से छिल करके तैयार हो जाता है। अगर हम इसके अंदर बात करें कि ये कहाँ पर सेल होता है प्रोडक्ट बन करके, तो आप होटल देख लो, रेस्टोरेंट देख लो या आप टिफिन सेंटर देख लो, वहां पर लहसुन की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आप एक से दो लेबर लगाते हैं तो वो लेबर आपका जो लहसुन दिन का तैयार करके देखिए, वो आप इस मशीन के द्वारा एक से डेढ़ घंटे में लहसुन छिल करके तैयार कर सकते हैं, जिसके आपके समय की भी बचत होगी और आपके लेबर की भी बचत होगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये मशीन है इस प्रकार का प्रोडक्ट बनाने की। आप जान गए होंगे ये क्या प्रोडक्ट है और ये कैसे बन करके तैयार होता है। इसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर भी इसका वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ये जो मशीन है आलू चिप्स की मशीन है, इस मशीन के द्वारा आलू के चिप्स है वो बना करके तैयार कर सकते हैं। ये होपर दिया गया है, ये जो होपर है इसके अंदर आलू छिल करके तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो सेकेंड प्रोसेस है, इसके अंदर आलू की कटिंग हो जाएगी, आप चिप्स बना करके तैयार कर सकते हैं अलग अलग साइज में। और ये जो थर्ड प्रोसेस है, इसके अंदर जो चिप्स बन करके तैयार होती है वो ड्राई हो जाती है। तीनों प्रोसेस आप एक ही मशीन के द्वारा कर सकते हैं और इस मशीन के द्वारा प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो छोटे से छोटे केबिनों से लेकर आप बड़ी बड़ी दुकानों पर सेल कर सकते हैं। चाहे तो कच्चे भी इस प्रकार से जो है वो पैक करके और सेल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 5 रुपए के 10 रुपए के पैकेट आते हैं वो भी आप बना करके बेच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं पानी पूरी बनाने की मशीन है, इस प्रकार की इस मशीन के द्वारा पूरी बन करके तैयार होती है। दोस्तों बहुत ही छोटी मशीन है, मैनुअल मशीन है, इसके अंदर हैंड प्रेस है, इसमें लाइट की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप पूरी बनाते हैं तो आप बनाते हैं या आप देखते हैं कि जो भी पूरी बनाते हैं उसमें कम से कम 4 से 5 लेबर की आवश्यकता होती है। अगर आप इस मशीन को लगाएंगे तो आपके समय की बचत होगी प्लस आपकी लेबर की बचत होगी। दोस्तों अगर आप 3 से 4 लेबर भी लगाते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर एक लेबर आपका पर डे 200 रुपए भी लेती है तो महीने का 6000 हो गया, तो 6000 रुपए की बचत। ऐसे अगर आप 2 से 3 लेबर लगाते हो तो 12000 रुपए की आप बचत कर सकते हो। दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हो ये पत्तल दोना बनाने की मशीन है, इस मशीन के द्वारा आप पत्तल बना करके तैयार कर सकते हैं, दोना बना करके तैयार कर सकते हैं। और अगर हम इसको बनाने की और बेचने की बात करें तो इससे जो प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है, शादी समारोह देख लो, फंक्शन देख लो, बर्थडे पार्टी हो गई वहां देख लो, बैठकर जहां खाना खिलाया जाता है वहां पत्तल दोने का बहुत उपयोग किया जाता है। या आप देख लो जहां पानी पूरी जहां पर ठेले वाले बेचते हैं तो वो भी धोने का उपयोग करते हैं, तो वहां पर भी आप सेल कर सकते हो और हर क्षेत्र में बिकने वाला प्रोडक्ट है। पापड़ मेकिंग मशीन है, इस मशीन के द्वारा अलग अलग प्रकार के पापड़ हुए वो बनाकर के तैयार कर सकते हैं। और पापड़ का उपयोग बहुत ही ज्यादा हर एक घर में किया जाता है, पापड़ खाना हर एक जना पसंद करता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो पीछे मशीन देख रहे हो, ये जो मशीन है चारा कुट्टी मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है। आप देखते हो कि गांव में खेतों के अंदर जहाँ पर चारा होता है वो चारा काफी मात्रा में लंबा होता है, तो इस मशीन के द्वारा आप उसकी कटिंग कर सकते हैं और अपने पशुओं को खिला सकते हैं, जिससे आपके जो चारा होता है वो वेस्ट भी कम होता है। हेलो दोस्तों, ये हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। यहाँ पर ये जो ब्रिक्स है ये मशीन बन करके तैयार हो रही है, इसके अंदर एक बार में भी 6 की डाई लगी हुई है, इसके अंदर आप 4 की डाई भी लगवा करके और बना सकते हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे यहाँ मशीनें मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी कस्टमर बोलते हैं, जिस साइज में बोलते हैं, जिस साइज के ब्रिक्स बोलते हैं उस साइज के हम डाई लगा करके यहाँ मशीनें तैयार करते हैं। हमारे यहाँ पर ब्रिक्स के लगभग आपको 10 से 15 मशीनें मिलेगी, मैनुअल मशीन मिलेगी यहाँ पर, ऑटोमेटिक मिलेगी, हाइड्रोलिक मिलेगी। किस प्रकार से बनकर के तैयार होती है इस वीडियो में आप पूरा प्रोसेस देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं गो कास्ट की मशीन यहाँ पर बनकर के तैयार हो रही है और ये यहाँ पर एक रेडी हो चुकी है। ये इसका होपर है, इसके अंदर आपको गोबर डालना होता है, गोबर डालने के बाद यहाँ से लकड़ी बनकर के तैयार होती है। इसके अंदर आप जो लकड़ी बनती है उसका उपयोग होटल वाले भी करते हैं और इसका शमशान घाट में भी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ये शादी समारोह में देख लो सुगंधित लकड़ी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप गोल लकड़ी बना करके तैयार कर सकते हो, छोटी जो लकड़ी होती है वो बना करके तैयार कर सकते हो, चौकट बना करके तैयार कर सकते हो। इसके अंदर डाइयो का पूरा प्रोसेस आपको साथ में दिया जाता है। दोस्तों गांव में जहाँ पर पशु होते हैं या फिर आप देख लो जहाँ पर पशुपालन किया जाता है वहां पर अधिक मात्रा में गाय होती है, पशु होते हैं, तो आपको गोबर की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी, वहीं से आप गोबर प्राप्त कर लेंगे और गोबर से लकड़ी बना करके तैयार कर सकते हैं और इसे आसानी से सेल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हो ये ब्रिक्स बनाने की मशीन है, इसके अंदर एक बार में 12 ब्रिक्स 18 ब्रिक्स बन करके तैयार होती है, ब्रिक्स बन करके तैयार होगी और आगे की तरफ ये जो मशीन है
वो जाएगी। ब्रिक्स की मशीन बन करके तैयार हो रही है, यहाँ पर मिक्सर बन करके तैयार हो रही है, गो कास्ट मशीन बन करके तैयार हो रही है, तैयार। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हो ये हाइड्रोलिक मशीन है, इसके अंदर एक बार में 2 ब्रिक्स बन करके तैयार होती है, ब्रिक्स ऑटोमेटिक पट्टी के ऊपर आ जाती है इसके अंदर। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये वाइब्रेटिंग टेबल है। और इसके अलावा दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हो सीमेंट ईट बनाने की मशीन है, इसके अंदर एक बार में 4 सीमेंट ईट बन करके तैयार होती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको लगभग सभी तरीके की मशीनें दिखाई, किस प्रकार से आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। आप हमारी कंपनी विजिट कीजिए, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, बिजनेस के बारे में आपको पूरा गाइड किया जाएगा, किस प्रकार का बिजनेस करना है आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, कॉन्टेक्ट करके जानकारी लीजिए। आप हमारी कंपनी विजिट कीजिए, रेलवे स्टेशन से महज 5 मिनट का रास्ता है, आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, किस प्रकार से आपको बिजनेस करना है उसके बारे में हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर आपको हमारा बिजनेस आइडिया पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसकी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप कभी भी कॉल करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही मिलेंगे किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।